दोस्तों कि आपके भी व्हाट्सएप का कोई भी फोटो वीडियो डाउनलोड होकर गैलरी में सेव नहीं हो रहा है, गैलरी में नहीं आ रहा है और आप उनको गैलरी में लाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं फोन के स्क्रीन पे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको व्हाट्सएप लिखकर सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने व्हाट्सएप ऐप को अपडेट कर लेना है, फिर यहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर लेना है। और दोस्तों अगर किसी एक नंबर से किसी एक व्यक्ति के व्हाट्सएप से फोटो वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है तो सिंपल सा आपको उस नंबर पर इस तरह से क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर ऊपर उस नेम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिख रहा है मीडिया विजिबिलिटी का, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में डिफॉल्ट यस वाले ऑप्शन में इस तरह से सेट करके नीचे ओके पे क्लिक कर देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पूरे व्हाट्सएप से किसी का भी फोटो वीडियो डाउनलोड होकर आपके गैलरी में सेव नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ऊपर इस थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर नीचे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज एंड डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर नीचे जो एक ऑप्शन दिख रहा है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा का, अब आपको इस पर क्लिक करके इन सभी बॉक्स को इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में भी क्लिक करके इन सभी बॉक्स को इस तरह से फिल करके ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में भी सभी ऑप्शन को इस तरह से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है और जैसे ही ओके पे क्लिक कर देंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।